हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वैली। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे, अगर आप हमसे NSDL EKYC ID ले लिया तो फर्स्ट टाइम आप कैसे लॉगिन कर सकते। फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने के लिए आपको गूगल क्रोम में आना होगा, या आप ऐप में काम करना चाहते हैं तो पहले आपको आपका वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट से आपका आईडी एक्टिव होना चाहिए, उसके बाद आप ऐप से वर्क कर पाएंगे। ऐप्स में वर्किंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऐप्स में वर्किंग करने के लिए पहले आपको ऐप्स को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर टाइपिंग कीजिए fingerpens.com। टाइप करने के बाद आप लॉगिन में क्लिक कीजिए। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप आपका आईडी यहाँ पर टाइपिंग कीजिए। यहाँ पर आप आपका यूजर आईडी टाइपिंग कीजिए। लॉगिन में क्लिक कीजिए। तो आप अगर लॉगिन किया उसके बाद अगर आप ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हो, ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप 3 डॉट में क्लिक कीजिए। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं NSDL मैनेज वॉलेट मैनेज इम्पोर्टेंट लिंक। यहाँ पर आप UTI पैन कार्ड आईडी बारे में जान सकते हैं। NSDL EKYC फुल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, कैसे आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप पैन कार्ड को करेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप EKYC पैन कार्ड कर सकते हो, वो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड बोल के एक लिंक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको ईमेल आईडी जिस तरह से उस ईमेल को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर पैकेजिंग इंस्टॉलर में क्लिक कीजिए तो ये डाउनलोड हो जाएगा। हमारा ऐप्स ऑलरेडी डाउनलोड था इसलिए अपडेट करने के बोल रहे हैं, तो हम अपडेट में क्लिक करेंगे तो हमारा ऐप्स ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। ओपन में क्लिक करेंगे, जो यूज़र आईडी है वही आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है। ओके, हम पासवर्ड को हाइड रख देंगे क्योंकि इसको हमारा सिक्योरिटी पर्पस। साइन OTP आपका ईमेल में स्पैम फोल्डर में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो हमसे पूछ लेना आप। देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। EKYC NSDL अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, EKYC रिपोर्ट में क्लिक करने पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। EKYC NSDL में क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा आधार नेम, उसके बाद सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर कस्टमर देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर 107 रुपया चार्ज देखा रहे। अगर आप हमसे रिटेलर आईडी लिया तो आपको 4 रुपया कमीशन मिलेगा, आपको पैन कार्ड बनाने में 103 रुपया जाएगा। फिंगर से कैसे पैन कार्ड होता है, OTP से कैसे पैन कार्ड होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा जानकारी आपको मिला तो वीडियो में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपको फ्रेंड। अगर आपको आईडी लेना है तो स्क्रीन में एक नंबर है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप रजिस्टर करके आईडी ले सकते हैं। अगर आपको NSDL में काम करना है, हमारा जो NSDL का साइट चलता है इसमें क्या है भाई साहब, इसमें आप न्यू पैन कार्ड 30 मिनट में कर सकते हैं, जो OTP प्लस फिंगर से होता है। दूसरे वाला है, यहाँ पर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपको 3 दिन में ईमेल में पैन कार्ड आ जाएगा। तीसरे वाला है, आप पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं। तो भाई साहब, अगर आपको पैन कार्ड करना है NSDL में तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन में जो नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।